बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक ठाक। और हमेशा से आप सबके लिए मेरी तहे दिल से दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियां दिखाए, अल्लाहुम्मा आमीन, अपने घर में अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, और कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो तो अल्लाह पाक उसको अपने रहम करम से दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो हम जो है ना यहाँ बने सवरे खड़े हैं ना, तो हम शादी में नहीं जा रहे बिल्कुल, आज हम बना रहे हैं शादी वाला खाना। तो अक्सर ऐसा आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि घर में हम रहते हैं तो दिल करता है कि हम क्या बनाएं, और दिल करता है शादी वाला खाना खाएं, और शादी की कहीं से दावत नहीं आती, काफ़ी दिन हो जाते हैं लाजे तो ख़ानदान में इतनी रोज़ रोज़ तो शादी नहीं होती, कभी कभार होती है शादी। तो आज जो मेहंदी में बनता है स्पेशल हमारे यानी पाकिस्तान में हैदराबाद में, जो ज़्यादातर मेहंदी और माइयों में जो ज़्यादातर बनता है ना, वो बनता है कीमा, और स्पेशल पूरी पराठा बनता है, उसके साथ हलवा भी बनता है, तो आज हम वो बना रहे हैं। हम तैयारी करेंगे और मोहतर जो है मेरे साथ यहाँ पर मेरी हेल्प कराएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर हलवा जो है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने कढ़ाई रख दी है और फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम पर, और हम एक पाव सूजी का बना रहे हैं हलवा। तो ये एक पाव सूजी ली है और एक पाव ही हमने लिया है यहाँ पर घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा घी गर्म हो गया है तो यहाँ पर हम सूजी डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये शादियों वाला हलवा है। शादियों वाला हलवा है और इसको हम जो है गोल्डन ब्राउन होने तक है ना इसी तरह भूनेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है मैंने ना, लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे और इसको मुसलसल चलाते रहेंगे। ये गोल्डन ब्राउन होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ 5-6 मिनट बाद। अच्छा ये गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आना शुरू हो गया है सूजी में, और इसको मैं मुसलसल चला रही थी, तकरीबन 4-5 मिनट में ऐसा कलर हो गया। चीनी डालो मोहतर। तो ये एक प्याली मैंने ली थी सूजी, और एक प्याली हम लेंगे चीनी, और एक प्याली हमने लिया था इसमें घी। सारी चीज़ें जो है ना बैलेंस में है। हाँ डालो, बिस्मिल्लाह डालो। अच्छा इसमें हम पानी डालेंगे तकरीबन जो है ना, मैं डालूँगी इसके अंदर अंदाजे से तकरीबन 3 कटोरी हम डाल देंगे। अच्छा इसमें चाशनी बन के नहीं डलता, इसमें इसी में डलता है। चलो भाई जल्दी जल्दी शादी कर लो। शादी कर लो और अपने घर में खाना खुद बनाओ। नहीं माइयों मेहंदी तो अब ज्यादातर लोग घर में करने लगे हैं, अपने खास घर में ही मजा आता है वैसे। इनवाइट करके हाल में कहीं मतलब बाहर जो टेंट वगैरह लगता है ना उसमें उसमें इतना मज़ा नहीं आता जितना घर में मज़ा आता है। तो ये देखिए मैंने एक जग लिया था पानी का, बस थोड़ा सा बचाया, यानी मतलब एक प्याली मैंने सूजी ली और 4 प्याली डाली मैंने पानी का, और अब इसमें हम कलर देने के लिए डालेंगे जर्दे का कलर। तो आप लेमन कलर भी ले सकते हैं, ये है ऑरेंज जर्दे का कलर, ये हम डालेंगे तो इससे अच्छा सा कलर आएगा इसमें। और फिर चलाना इसको, बस इसको चलाते रहना है, बनाते रहना है। लाजमी तो नाजुक नाजुक होती है सूजी, फौरन ये जो है ना जलना शुरू जाती है। हाँ बस अभी पानी में उबाल आता है, इसके बाद में ये देखें बस अभी झटपट कैसे तैयार होता है ना। अच्छा बस एक उबाल आया है तो ये हमारा जो शादी वाला हलवा है ना ये तैयार हो गया, और फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी, और यहाँ पर जो है ना 4-5 ये छोटी इलायची है ये हम डाल देंगे खुशबू के लिए। तो अभी मैं इसको पीस लेती हूँ। बल्कि अपन लोग वो कर लेते गुड्डा गुड़िया की शादी। अरे तोता तोता और तोती की नहीं हुई है। अब उसकी शादी के खाने बाद में बनाते हैं। ये सब इलायची डाल रही हूँ मैं इसमें, 3-4 डाल दी खुशबू के लिए, बस फ्लेम को बंद कर रही हूँ मैं, ठीक है। चलो तो अभी ये देख रहे होंगे आपको ये थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, मगर अभी ये हवा लगेगी ना तो ठीक हो जाएगा, ये खुद ही सेट हो जाएगा। तो इतना ही हमें है ना रख के उतार देना है, ठीक है। चलो हटाओ ये चीज़ें। चलो जी ये तैयार हो गया, इसको हम ढक देते हैं और अभी हम तैयारी करते हैं कीमा बनाने की। अच्छा जी अब हम है ना कीमे की तैयारी करेंगे, तो यहाँ पर मैंने कीमा लिया है 1 किलो कीमा बनाएंगे। मोहतर ये प्याज कटिंग करो बेटा, एक और छुरी दे तो मैं भी काट लूँ। हाँ अच्छा ये प्याज लिए हमने 1 किलो कीमे में, हमने प्याज लिए 1/2 किलो जाएंगे इसके अंदर टमाटर, और ये 1/2 पाव के करीब होंगी हरी मिर्चें। तो ये आप है ना
नोट कर लें, 1 किलो कीमे का जो हम सामान तैयार कर रहे हैं, शादी वाला कीमा, सही है, और इसको निकाल दो। एक और छुरी थी ना, वो कहाँ गई? लेकर आ गई। और ये 1 किलो कीमा है, ये मशीन से निकाला हुआ, एक दफ़ा मशीन से निकाला हुआ कीमा है, इसको मैंने धो लिया अच्छा सा 2-3 पानी से, ताकि अच्छा सा धुल जाए। तो उसको मैंने छलने में डाल के ना, इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, इस वजह से मैंने छलने में डाला है, जिसमें हम सब्ज़ी वगैरह धोते हैं। तो ये कीमा रखा हुआ है इधर, मोतर प्याज काट रही है, मैं टमाटर वगैरह कटिंग करती हूँ, और फटाफट अभी बन जाएगा कीमा, फटाफट शादी वाला कीमा बन जाएगा, फिर शादी की तैयारी हो जाएगी। खाना तो हमने बना लिया है, शादी भी होने वाली है। अब देखो किसकी होती है। मोहत्तर के है ना, मोहत्तर की मेहंदी थी ना, उसमें बनाया था इन्होंने, दलीम था, हाँ, और क्या था, दलीम था, कीमा, पराठा, हाँ, और हलवा, ये सब, हाँ, चीजें थी। और हमने क्या बनाया था हमारा, वो था ब्राउन था, नहीं नहीं मटन, मटन मटन कढ़ाई थी, और क्या था, मैं तो खाना भी नहीं खाया था मोहसिन के भाइयों, क्योंकि घर में जब होती है ना तकरीब, नहीं खाना खाया जाता, और बारात नहीं, बारात के बाद, हाँ बारात के बाद अम्मी ने मुझे अपने हाथ से खिलाया था, और वो खीर वगैरह जो रस्में हुई थी ना, बड़ी अच्छी हुई थी, जबरदस्त, वो सब वीडियो के अंदर है। जी हमने सब तैयारी कर ली, यानी प्याज कटिंग कर ली, टमाटर हमने काट लिए, और मिर्चों की डंडियाँ अलग कर ली। तो हमें जो तैयारी करनी है ना, सबसे पहले हम डालेंगे कढ़ाई में ये प्याज, जो हमने आधा किलो प्याज ली थी ना, ये हम डालेंगे इसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसमें आयल शामिल नहीं कर रहे, और जो सब जितनी भी चीज़ें ना हम साथ डालेंगे, और इसके साथ प्याज के साथ हम डालना है यहाँ पे कीमा, इसमें अभी ऑयल वगैरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ ये अभी हमने कीमा डाल दिया, ये कीमा डिफरेंट बन रहा है बिल्कुल। और अदरक लहसुन का पेस्ट ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून भर के, ये हम डाल देंगे, ये हमने डाल दिया। और ये टमाटर जो हमने काटे थे ये भी डाल दिए। तो टमाटर और प्याज के जो पानी छोड़ेगा ना, इसमें ये कीमा पकेगा। अच्छा अच्छा, ये जो है ना, ये साबुत मसाले हैं, इसमें सफ़ेद जीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और 1 छोटा चम्मच लिया है काली मिर्चें, और 2 टेबल स्पून लिया है साबुत धनिया, और ये 1 बड़ी इलायची ली है। तो बड़ी इलायची में से हम ये जो इसके अंदर का जो दाना होता है ना, बस ये लेंगे, इसका छिलका निकाल देंगे। और एक ये लिए हमने जायफल, इसको कूटना है, और 1 बादियान का फूल है, 2-3 ये लिए हमने लौंगे। तो जितने भी ये मसाले हैं ना, इनको हमें कूटना है। ये हम मतलब तुम ये जो मसाले हैं ना, साबुत मसाले, इनको कूट दो। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, तो नमक मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 चम्मच इसके अंदर, अगर कम लगेगा तो हम फिर डाल देंगे। और हल्दी इसके अंदर ज़्यादा जाएगी, ये पूरा चम्मच भर के डाल रही हूँ मैं हल्दी, ये डाल रही हूँ। और कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसके अंदर 2 चम्मच, ये 2 चम्मच भर के मैंने डाल दी कुटी लाल मिर्चें, बस यही मसाले जाएंगे इसके अंदर। और अब जो है हम इसको अच्छा सा मिक्स करके इन मसालों को, और ढक्कन ढक के हम रख देंगे इसको पकने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट। और 1 प्याली हम पानी डाल देंगे, ताकि जो है ना अच्छा सा ही कीमा पक जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, 1 प्याली करीब पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मैं मसाले को, हाँ बस इसको अच्छा सा मिक्स कर देना है, बहुत इजी है इसको बनाना। अच्छा, जो मैंने आपको साबुत मसाले दिखाए थे ना, वो सारे कूट दिए, और ये हमारा छोटा सा इमामदस्ता है इससे, और अभी हम इसमें शामिल कर देंगे इसको। और ये हरी मिर्ची कूट लो मोहत्तर, और ये तकरीबन 10-12 अदद हरी मिर्चें, इनको कूट लो। पता नहीं इधर होगी। अच्छा, इसको मिक्स करके फिर हम ढक देंगे इसको। काट के डालूंगी ना, जल्दी कुछ लीजिए। अच्छा, कीमे को पकते हुए 10 मिनट हो गए, और अब मैं इसका ढक्कन जो है ना खोल रही हूँ एहतियात के साथ। कीमे की खुशबू आना शुरू हो गई है हजरात। और जो हरी मिर्चें है ना, ये कूटी थी ना, ये भी हम डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। और 2-3 हरी मिर्चें जो है ये कटिंग करके रख दी है, बाद में हम डालेंगे गार्निश के लिए। हाँ, तो ये हरी मिर्चें डाल दी। और यहाँ पर जो ऑयल है ना, यहाँ पर मैंने लिया 1 पाव ऑयल,
तो ये ऑलिव ऑयल है, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, मगर मेरे घर वाले पसंद नहीं करते। और अभी जो है ना इसको हम फिर ढक देंगे दोबारा। और यहाँ पर जो है ना पराठे बनाने की तैयारी कर रहे हैं, आटा गूंद रही हूँ मैं। तो ये फाइन आटा है, तो तंदूर की रोटी वगैरह बनती है ना, ये वो आटा है। देखिए इस तरह से लग रहा होगा आपको जैसे सूजी है बिल्कुल। जितना मुझे ज़रूरत है मैं उतना लूँगी, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और इसमें मैं डालूँगी ये मेहमान हूँ आपके, हाँ ये एक वन टेबल स्पून ये चीनी ये शामिल करेंगे। और नमक हम डालेंगे यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक, ये हम डाल देंगे। और इसके अंदर हम ऑयल या घी जो भी है ना हम 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे। अच्छा ये फाइन आटा लिया है मैंने यहाँ पर, ये 2 बोल लिए मैंने इसके अपनी ज़रूरत के मुताबिक। नमक डाला है मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक। और 1 टेबल स्पून डाली है चीनी। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर ये सफ़ेद ज़ीरा, ये हम डालेंगे। और ये 2 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल डालेंगे इसके अंदर। आप घी, देसी घी, मक्खन कुछ भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो क्या ही बात है ना। और अब तैयारी करते हैं आटा गूंदने की। तो हाथों को मैंने धो लिया अच्छे से। और हाँ अब इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करके इसके बाद जो है ना हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदेंगे, जैसे हम आम आटा गूंदते हैं ऐसे ही गूंदेंगे इसको। फिर हम बनाएंगे पराठे। पराठे पूरी पराठा, पूरी पराठा, पूरी पराठा। अब हम अम्मी ने बोल दिया है बस खाना सिखा दिया है बनाना, अब शादियां कर लो अपनी अपनी। और घर में खुद खाना बनाओ भाई। अब बात ही क्या होती है, जो परदेश में रहते हैं ना उनसे पूछे आप कि वो घर का खाने को तरसते हैं। हाँ। कि हम अपनी माँ के हाथ का खाना खाएं, अपनी बहन के हाथ का, अपनी जो वाइफ है उनके हाथ का खाना खाएं। और ये जो हाथ की रोटी है ना ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान में ही मिलती है, बाकी और किसी भी कंट्रीज में नहीं मिलती। चलो ये सारा हमने मिक्स कर लिया और अब जो है हम इसको गूंदेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को इस तरह हम गूंदते रहेंगे। अभी मैं आटे को समेट रही हूँ। अच्छा ये आटे को हमने इस तरह से गूंद लिया है। और अभी इसमें हम है ना ये ऑयल लिया है मैंने थोड़ा सा, इसमें हाथ लगा के इसको एक बार गूंदेंगे, बस ज़रा से लगाएंगे। और इसको ऊपर से भी हम ऑयल लगा देंगे इस तरह। अच्छा मैंने आटे को गूंद लिया है और ऊपर से ना ये ऑयल लगा दिया है हमने। अच्छा मम्मी इससे तो काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती होंगी। हाँ बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं इसमें, हर चीज़ से। बस बनाने का तरीका होता है इसको हम इस देखते आटे से। हाँ कीमा देखते हैं। अरे जी 10 मिनट और हो गए इसको पकते हुए, तकरीबन 20 मिनट हो गए। और अब हम इसको खोल रहे हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और देखें भाप में ये कितना पक गया है कीमा। और अब इस बस इसकी भुनाई करेंगे, ढक्कन हटा देंगे। और अब इसमें कुछ भी नहीं डलेगा, बस खूब इसको भूनेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, तब तक भूनेंगे। टमाटर गल चुके हैं, प्याज गल चुकी है, कीमा भी जो है हमारा गल चुका है। और अब इसकी होगी भुनाई। और देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका भी, गोल्डन सा। अभी पकने के बाद देखिएगा आप क्या खुशबू आ रही है, मेरी तो भूख खुल जाती है खुशबू से, बल्कि नियत कर जाती है खुशबू से, खाया नहीं जाता फिर। पकाता है ना उससे नहीं खाया जाता कुछ। अच्छा ये एक नींबू था, इसको मैंने जो है ना काट लिया था ऐसे बारीक बारीक स्लाइस में इस तरह। और जो हमने 2-3 हरी मिर्ची बचाई थी इसको काट लिया था, थोड़ा सा हरा धनिया। तो यहाँ पर मैं आधा लीमू जो है इसमें निचोड़ रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा इसी वक्त निचोड़ देंगे, भूनते वक्त। भूनते वक्त भून चुका है तकरीबन, ये देखें इसमें ना तेल पानी हाँ खुश्क हो गया है और ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। शादियों वाला कीमा। हाँ और अब जो है ना ऊपर ये पक चुका है और ऊपर से हम ये गार्निश करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चों का और लीमू लगाएंगे और ढककर रख देंगे इसको। तो जो लीमू की खुशबू है ना इसके अंदर आ जाएगी बहुत प्यारी सी। देख कितनी अच्छी खुशबू होती है लीमू की। लेमन की वाकई खुशबू बहुत अच्छी होती है, एकदम से मुंह में पानी आ जाता है। पानी आता है और ये हाजमा भी करता है लीमू ना। चलें ये इसका ढक्कन गाय बेटा, चलो ये रहा।
इसको मैं ढक कर रख रही हूँ, उतार देती हूँ। वो छाबी दो बेटा, छाबी दो, लीजिए इधर रख दो, हटा दो मम्मी। हाँ ये हटा दो, ये पक चुका है और इधर हमारा हलवा तैयार हो गया। और अब हम जो है पराठे बनाएंगे फटाफट से, फटाफट पराठा। तो यहाँ पे जो हमने आटा गूंध के रखा था इसको हम बना लेंगे दो पेड़े, बीच में से हम इसको कट कर लेंगे, सही है, ताकि अंदाज़ा हो जाए बराबर से पेड़े हमारे कट जाएं। ये दो पेड़े हम बनाएंगे, एक बनेगा बड़ा सा पराठा। और हमने यहाँ पर रख दिया है, मेरे पास इतना बड़ा तवा नहीं था तो मेरे पास ये कढ़ाई थी, ये मैंने रख दिया, इस पर हम बनाएंगे पूरी पराठा। बिस्मिल्लाह। अच्छा यहाँ पर हम पूरी पराठे बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इस बड़ी सी कढ़ाई में डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये है पूरी पराठा, तो इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं, तो इसमें हम डाल रहे हैं ऑयल। अच्छा डीप फ्राई होगा ना पराठा? पूरी है ना, पूरी पराठा है ना। पूरी पराठा है, ये गर्म होता है तब तक हम यहाँ पे पेड़े को जो है ना इस पराठा बेलते हैं। अच्छा ये पराठा बनेगा ये अभी। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना पूरी पराठा बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा मैंने यहाँ पर ऑयल और लगा लिया, नीचे भी लगाती हूँ ऑयल, और इसको हमें बेलना है। जितना मर्जी चाहो उतना बड़ा बेलो। ये उनसे बिलवाओ जो सीख रहे हो। जो सीख रहे हो, हाँ। चलो इस पर भी लगा लेते हैं, और मत तो आस्तीन ऊपर करो मेरी। अब मैं चढ़ा रही हूँ आस्तीने चढ़ाना। ये भी चढ़ाओ। सही है। चलो जी बिस्मिल्लाह। इसको बेलना है हमें, और चारों तरफ से एक से बेलना चाहिए। हलवाई बन चुकी है मम्मी। ये बड़ा सी कढ़ाव चढ़ गई है। नाज़रीन हज़रात, ये बड़ा सा पराठा बन रहा है। पराठा बन रहा है, पूरी पराठा। जितना बड़ा स्लैब है आप बनाते जाओ, बनाते जाओ। तो ये हमने पूरी पराठे के लिए इसको बड़ा सा बेल लिया, और अब जो है ना इसमें हम ये फोक की मदद से इस तरह से निशान लगाएंगे ताकि ये जो है ना फूले नहीं, पराठा बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे दूर दूर लगा देंगे इस तरह से। आप चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें एयर देनी है इसमें ना, एयर ना। हाथ से कैसे लगाएंगे मम्मी? ऐसे, हाँ ऐसे फिंगर से। बट यार हाथ से लगाते हो। और अब इसको उठाकर हम डालेंगे, ठीक है। चले सही है। और अब इसको हम एहतियात से उठाएंगे। बिस्मिल्लाह। वो कैसे घुमाते हैं? गोल 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 गोल। बिस्मिल्लाह। चलो जी बहुत एहतियात से हमने इसमें डाल दिया माशाल्लाह से। और अब इसको ऐसे घुमा घुमा के हमें सेकना है, यानी फ्राई करना है। ये वाला मैं बेलूं? बेलो बेलो। अच्छा लाहौर में भी वो बनता है कत लंबा, वो भी इतना बड़ा सारा बनता है, और वो जो है ना बड़े से डालते हैं ऐसे, उनका तरीका है, हुनर है उनका, तो आज हमने उनकी नकल करी है। बिस्मिल्लाह रहमानिर्रहीम। तो बड़ा सा पराठा पूरा। ये देखो कैसे घुमा रहे हैं उसको, ये देखो। जबरदस्त अम्मी, आप तो पूरी पूरी वो निकली भटियारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनाया आपने। ओ मेरे हस्बैंड भी आ गए, देखो शाबाशी दे दो मुझे। पापा ने कहा शाबाश 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 शाबाश। मेरे नाना मुझे बोलते थे शाबाश। ये मैं बना रही हूँ पूरी पराठा। निकाल लें इसको। ब
बिस्मिल्लाह। चलो ये हमारा पराठा पूरा बन गया, पूरी पराठा कितना क्रिस्पी हो रहा है ये, तो पूरी पराठा है ना ये। अब दूसरा भी हम इसी तरह से जो है ना हम बेल लेते हैं। बस फूल रहा है ये, गोल मटोल। ये दूसरा भी हमने पूरी पराठा बना लिया और एहतियात के साथ थोड़ा सा ऑयल इसका जो है ना निकल जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह वाह भाई वाह, जबरदस्त। अब हम इसका जो है ना फाइनल कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गर्म बहुत है तो यहाँ पे मैं टिशू रख रही हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पराठे के भी बर्थडे हो गए। बिस्मिल्लाह। पिज्जा वाली कटिंग हो रही है। हाँ, ताकि वो आसानी हो जाए ना। तो ये हमने पूरी पराठे की कटिंग कर ली और इसको जो आप है ना हॉट पॉट में रख दें या फिर किसी शॉपर बैग में रख दें तो ये क्रिस्पी भी रहेंगे और सॉफ्ट भी रहेंगे। इसको आप चाय के साथ खाएं और कीमे के साथ तो बस क्या ही बात है। ये देखें जी, तो यहाँ पे हमारे हलवा जो है इसको मैं फाइनली पिस्ते डाल रही हूँ और इसको मैं निकालूँगी सर्विंग प्लेट में। चलो खाना खाने बैठ जाओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अब हम जो है कीमा निकालेंगे। कीमा देखें अभी भी कितना गर्म है, धुएंदार हो रहा है। धुएंदार कीमा जबरदस्त किस्म का। पता है भूख ऐसी लग रही है अब तो, जल्दी से सारा शायद हम भी खा लेंगे। चलें आप भी आएँ, आप भी खाएं। तो ये हमारा कीमा फाइनली बन गया, धुआंधार कीमा, शादियों वाला कीमा। और कितनी जल्दी बना, झटपट से। और इसको बनाने में तकरीबन मुझे 1.5 घंटा लगा है सब कुछ बनाने में, सब चीज़ें। चलो जी, ये देखें हमारे जज साहब बैठे हुए हैं, ये पास करेंगे तो आप भी बनाइएगा। और आप भी बैठिए। ये अल्लाह लीजिए, प्लेट्स लाऊं। मोहतर आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है ना मैंने नमक मिर्च कुछ भी मैंने नहीं चखा। मेरी आदत है मैं कुछ भी बनाती हूँ ना मैं पकाते हुए बिल्कुल टेस्ट नहीं करती, पकने के बाद मैं चेक करती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट, बेहतरीन, वीआईपी। आओ मोहतर। अम्मी आ रही है। लियाओ कुर्सी, लियाओ कुर्सी, लियाओ जी जी, कुर्सी लियाओ। अब मेरी बारी टेस्ट करने की, क्या बनाया है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जबरदस्त, बेहतरीन बनाया है। A1 सब पीछे छोड़ दिया। बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। हलवा भी बहुत अच्छा बनाया होगा। हलवा भी टेस्ट करते हैं। शादियों में ऐसा खाना मिले, क्या बात हो। खाई जाएंगे, खाई जाएंगे। वाकई शादियों वाला भी। तो उम्मीद है मुझे कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि इससे मुझे और शौक़ होता है कि मैं अच्छा अच्छा काम करूं और आप तक अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंचाऊं। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा से मैं यही कहती हूँ कि मेरी दुआएँ आप लोगों के साथ हैं। और आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। ढेर सारी दुआएँ लें, खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।